रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की बुनियाद ही कयामत की जंग पर रखी थी और जिस तरह से ये जंग लंबी खिंचती जा रही है उसे देखकर तो लगता है कि यूक्रेन जंग कयामत पर ही जा पहुंचेगी। पुतिन बार बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ और तस्वीरें सामने आई है जिसके बाद दुनिया की टेंशन और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रूस के सैनिक बेलारूस पहुंचे हैं और युद्ध की तैयारी में इस वक्त जुट चुके हैं। शुरू हुआ तबाही का काउंटडाउन। ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बेलारूस पहुंचे रूसी सैनिक। यूक्रेन में बरसेगा बर्बादी का बारूद। पुतिन का मिशन कयामत से कयामत तक। यूक्रेन जंग को शुरू हुए 250 दिन पूरे होने वाले हैं और इस दौरान दुनिया यूक्रेन के शहरों को खंडहरों में तब्दील होने वाली तस्वीरों को देखकर दहल रही है। जंग की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन दुनिया की सुपर पावर माने जाने वाले रूस के सामने महज कुछ दिनों में घुटने टेक देगा, लेकिन नेटो और अमेरिका से मिले हथियारों की बदौलत यूक्रेन की सेना न सिर्फ जंग मैदान में रूसी फौज के सामने टिकी हुई है बल्कि अब धीरे धीरे यूक्रेन जंग का रुख पलटता नजर आ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस मकसद के तहत यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया था वो कुछ हद तक कामयाब जरूर हुआ है, लेकिन पूरा अभी तक नहीं हुआ है। आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मिशन कयामत से कयामत तक का पूरा ब्यौरा भी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको यूक्रेन जंग की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी की है। इस वीडियो में रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर MiG-28 को दिखाया गया है जो पूरी तरह से बम, गोले और बारूद से लैस है और इस हेलीकॉप्टर को मिसाइलों से भी लैस किया जा रहा है। उड़ान भरने के बाद इस हेलीकॉप्टर से तबाही का बारूद यूक्रेन के सैन्य दस्तों पर बरसने लगता है। इसके बाद अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रूस की सेना का ये जंगी क्रू वापस लौट आता है। रूस की सेना की तरफ से दावा किया गया है कि इस हेलीकॉप्टर अटैक के जरिए रूस की सेना ने यूक्रेन की फौज के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। ये वो तस्वीरें हैं जिनके सामने आने के बाद दुनिया की टेंशन और भी बढ़ गई है। ये रूस की सेना के वो सैनिक हैं जो बेलारूस पहुंचे हैं। दरअसल अभी हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यह ऐलान किया था कि रूस और बेलारूस मिलकर एक जॉइंट फोर्स बनाएंगे, लेकिन दुनिया को ये उम्मीद नहीं थी कि दोनों देश इतना जल्दी इस जॉइंट फोर्स का गठन भी कर लेंगे। इन तस्वीरों को बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर राष्ट्रपति पुतिन का मिशन कयामत से कयामत तक आखिर है क्या। राष्ट्रपति पुतिन के वॉर प्लेन को डिकोड करने वाले रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन जंग अब अपने निर्णायक मोड पर आ चुकी है। जंग के 8 महीनों में राष्ट्रपति पुतिन को मन माफिक परिणाम नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा रूस फिलहाल जंग में पिछड़ता हुआ भी नजर आ रहा है, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हमलों को तेज करने के साथ साथ अपनी रिजर्व फोर्स के मोबिलाइजेशन का काम शुरू किया। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूस की रिजर्व फोर्स का मोबिलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है।
यानी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन जंग की बिसात पर अपने मोहरे फिट कर चुके हैं और अब वो होगा जिसे वो बार बार दोहरा रहे हैं। उनकी इस चेतावनी की गूंज एक बार फिर कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में सुनाई दी। ये नहीं каких-то войск в прямое соприкосновение, в прямое столкновение с российской армией – это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что ума, разума у тех, кто говорит об этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать. Раштпати Путин के इस बयान का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि वो नेटो और अमेरिका से सीधी जंग के लिए तैयार है।